अरे गुरु के पूजा खातिर राम जी गाए फुलवारी, अरे नजरिया जानक दुलारी से लाडू। राम लक्ष्मण दूना भाई पहुँचे फुलवारी में जाइयो, पहुँचे फुलवारी में जाई रंग बिरंगी फूल फुलाई। भगवान लोरत ध्यान लगाई आई वहे समय बगिया में सिया सुकुमारी, यार नजरिया जनक दुला। सुनने वाले मित्र, राजा जनक सियम्मर धनुष यज्ञ थाने हैं, जो धनुष के तोड़ेगा वही सीता घर जाना है। तो सक्तों के बहादुर लोग तो आए, लेकिन गुरु महाराज राम और लक्ष्मण के लिए आए के गए, तो बगीचा में पूजा के बदे गुरु महाराज राम के लेके गए। उधर से सीता आई और दोनों जने से बगीचा में मुलाकात होता, तब का भर सिया जी चुपके से रही निहार, और देखत अरे देखत सूरत नयन भय चारा हो। देखत तुरत नयन भय चार, सुंदर सुंदर राजकुमार कैसे होए कब होए भेंट दीदार। सखिए करे मस्करी ना, सखिए जान गई सीता से कर मस्करी, अरे नजरिया जनक दुलारी से लागी। जितनी सखी रही सब जान गई, सीता का नजर देखत हैं कि राम के ऊपर से नजर नहीं हटता, थोरत हैं लोरत हैं फूल देखत हैं राम के, और रामो फूल तोरत हैं तो लखत हैं सीता के। सखिए देख के मजाक करत हैं, कहत हैं गोइया के देखत हो कचप कहा डॉक्टर जी। हर पूजा करे राम
गहे फूले बदे गुरु के ओहर सीता आए हैं देवी पूजा करे गौरी, तो कवि के आगे लिखना पड़ा गौरी पूजई आ गई भवानी ओम मन अंतई बा मूरत गई जानी हो मनयन तैबा मूरत गई जानी सिया के बर दिहलिनी महारानी दुल्हा मिली है राम ब्रह्म ज्ञानी दुल्हा मिली है राम ब्रह्म ज्ञानी सीता मारे खुशी के मारी अब रहा इतना ही हो तो जब आवाज आवता मूर्ति मह से जब मूर्ति से आवाज आवत तब सीता विभोर हो गए। अच्छा अरे सीता चलिए खुशी घर ना हो रामा रामा अरे हमरे रामा सीता चलिए खुशी गावत की कोदारी अरे ना जतिया जनक दुला सीता राम के प्रभु के अपने हृदय में बसाए के खुशी में सखी सहेली संगे कजरी गावत के घर लौटत हैं। तब का भ राजा जनक परन एक ठाना धनुषा तोर जवन बलवाला हो अरे धनुषा तोरे जवन बलवाना सिया के उसी घरी पर जाना दस हजार आदमी चला है धनुष तोरे के बदे अकेली सीता सीता एक और धनुष तोरे वाला चला है दस हजार औह भैया उमर का ख्याल कई के नाही लोग आवत हैं। सीता 18 साल का लड़की और 60 60 70 70 साल का बुढ़वा धनुष तोरई आवत है। हमरे तो बड़ी सोच भाई विद्या की एहन के लाजो नहीं लाग इतना बड़ा विद्वान होई होई का कर जात है। बड़का भैया कहना बा तयाए देश विदेश से ना हो आए दस हजार सब राजा बालकारी आओ नजरिया जनक दुला दस हजार राजा आए और सब अपने अपने के बहादुर और हर सियम्मर रचाबा फूल माला सजाबा सीता जी जय माल लेके खड़ी हैं राजा जनक महाराज बीच में देख रहे हैं बगल से और सारा देवता ऋषि मुनि सब देखे बदे जुटा हैं और हर राम के गुरु लियाई के बैठा हैं। अब का होता एक बात बड़ी बारीकी फसता कि जे धनुष उठावे के बदे तोरे के बदे घरे से चला रहा ए प्रतिज्ञा कह के चला रहा कि धनुष हमसे टूटे तो
सबसे बड़ी यज्ञ करेंगे। मानता माने है सबका, सब मानता मान के सब बहादुर लोग बैठा है। तो जे चला था धनुष उठावे 9999 देखत है कि जात बा धनुष उठावे, हे भगवान ऐसे धनुष न टूटे। विचार देखिए कितना गंदा विचार बा मेरे दोस्तों, कहना का बा। अरे आए 10,000 सब राजा, वीर बलकारी अर नाजरिया, जनक दुलारी। भैया अब देखिए आगे क्या हो रहा है। जे उठता बड़ा सुमिरन करके उठता, प्रभु हमसे धनुष टूट जाए तो बहुत बड़ी पूजा कर, बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊ, बड़ी बड़ी बातें चलता। तो बारी बारी सब अजमाए, अब एक कई एक जने जात हैं। बारी बारी सब अजमाए, धनुषा तनिक जुमुसन पायो। धनुषा तनिक जुमुसन खाए, जरा देख आप जवन पहलवान उठावे जाते हैं धनुष रचे, जो टसमस नहीं होता तो तरे मुड़ी कई के लौटा है, वो का मनावो थे। हे भगवान बहुत बड़ी बेइज्जती हमार भाई, बहुत बड़ी बेइज्जती भाई परमात्मा। हे दातार कृपा कर, ए धनुष हमसे ना टूटा तो केहू से न उठे। इतना विचार गंदा भैया। बारी बारी सब अजमाई, धनुषा तनिक नहीं खसकाए, एकदाई मिलकी जोर लगाए। कहीं आओ चली संग लपटी आई, इतना दिमाग नहीं काम करता, संग लपटियात है। मान ल 10,000 आदमी लपटियाए के 9,999 लपटियाए के धनुष तोड़ दे ही, तो सीता का बंटवारा कैसे हुई? दिमाग नहीं काम करता। तो एकदाई मिलकी जोर लगाई, धनुषा तनिक नहीं खसकाई। सीता जी देख के रोवत हैं, सीता जी दुखी हैं। जब सीता के आंखी में आंसू देखा तो जनक महाराज भी रोवत हैं। सिया के देख दुखारी जनक की, सिया के देख दुखारी जनक के, भाई पीकारी अहो नाजरिया, जनक दुलारी से दारी। सिया के आंखी में आंसू देख के जनक महाराज रोवत हैं। जनक जी सोचत हैं ए प्रतिज्ञा कई के हम फंस गए, बाप रे बाप, हम नहीं जाना, हम नहीं जाना के धरती वीरन से खाली बा। बड़का भैया बहुत रोवत हैं। कभी ने लिखा आगे का,
जनक जी भरे नयन में नीर, अब बतिया बोले तब गंभीर हो। अरे बतिया बोले तब गंभीर, धरती पर नाही कोई वीर। सुनी के लक्ष्मण उठे आखी ना, गुरु महाराज के पास राम लक्ष्मण बैठा है। जब सब थकी गए 9999, तब लक्ष्मण जब जनक महाराज के बात सुने, जब जनक जी ने कहा कि धनुष यज्ञ हम मन्ना से ए यज्ञ रचा, हम नहीं जाना कि धरती वीरन से खाली बना, कभो न ऐसा परन ठानी था। तब लक्ष्मण जी घर में आई गए, उठे गुरु कहे धीराज जा, धीराज जा, अबे तोहार नंबर नहीं ने, तोहरे आगे भाई तोहार भैया बैठा है। मेरे दोस्तों मर्यादा के यह जगह पर ख्याल बा। लक्ष्मण जी कहे तो हमके कमजोर समझत है का गुरु? कहा कमजोर तो ना ही समझत है, जानत है। अब भला बताओ, लालच तो सब कह रहे कि हमारे बहादुरी में नाम लिखा जाए। तो होत का बाग गुरु जी सहारा देते हैं। राम देखिए मेरे दोस्तों कहना का है, गुरु जी कहीं राम सीना हो। राम राम यह जगह इज्जत का सवाल बा, लाज का सवाल बा। सीता अपने दिल में बसाए बे आपके राम, आप ऐसा काम नहीं करते तो हत्या हो जाए, आत्मा कहनन होई। तब गुरु जी कहीं राम से आयल, तोर पारी यार ना जरिया जनक दुला। राम राम बड़ी इज्जत की बात पर राम, आप देखिए जगह पर गुरु की कृपा। बारे बाबा जी, बाबा जी तो हर युग में काम कहे है, हमेशा दुखिया के दुख हरे है। बाबा जी यह जगह पर करत का है गुरु महाराज? गुरु कहते हैं राम तुहार नंबर आएगी, जितना पहलवान है सब बैठ गए हैं अब। तो मेरे दोस्तों करत का है राम आशीर्वाद गुरु कर पाए। राम तब भरी सभानी आए, राम तब भरी सभानी आए, देखत सबई देख न पाए। सब देखत हैं लेकिन क्यों देख नहीं सका। बार कृपा निधान बाबा तुलसीदास के लिखे के परामर्शा, धरत उठावत खैचत गाड़ा और लखान कोई भये सब। सब खड़ा हो के देखत है, सब देखत है खड़ा हो के देखब कि धनुष टूटा कैसे। बड़का भैया जौने समय में धनुष टूटा वह समय में आकाश बादल का गड़गड़ाहट या हुआ था, बिजली की चमक या हुआ था और देवतन का नजर लगी बा। सारा संसार देख रहा है परमात्मा, ये प्रभु निराकार देख रहा है। कई नाए
सबई देख न पाए। देखत सबई देख न पाए, राजा बैठे मोल लटकाए। 9999 तरे मुड़ी लटकी बा, कहें यार पतरका लौंगा मार भेजबाजी। मेरे दोस्तों, सिया मारे खुशी कुमारी विभोर हैं। जनक महाराज नाची उठे, देवता सब खुशी मनावत हैं। होत का बा, सिया जय माला डालना हो, रामा रामा अरे मोरे रामा, सिया जय माला डल खुशी के उठिल अरे जनक दिया। बाबू साहब जौने साय जौने समय धनुष टूटा और सिया जी सीता जी जौने साय जय माल छोड़त हैं, वह साय आवाज आवता गूंज उठा सारा आसमान। जे जहां ही बताएं खुशी मनावता। मेरे दोस्तों, एक बात बड़ी बारीकी आगे फंसता। एहर खुशी होत हैं, ओहर पूजा करत रहे परशुराम, उन्हीं के तो धनुष रहा। जब आवाज सुने तो पूजा पाठ छोड़ के लेके गणासा दौड़ पड़े। धनुष जब टूटा आवाज भई भारी, अरे आए परशुराम बलकारी हो। हे भैया, आए परशुराम बलकारी, हवारदा बिना इजाजत का धनुष कौन तोड़ा। उसके हम बोटी बोटी काटे। जब इतनी आवाज सुने तो 9999 जितना रहे सब कम मशीन हड़हड़ाए कि बाप रे बाप, यही बाभन 21 दाई ठकुरन के खत्म कहे बा, 21 दाई क्षत्रियन के निर्पात कर दे बा। यही बाभन भले ना है टूटा धनुष, बारे विचार एक कैती तो यज्ञ कर आए हैं कि धनुष तोड़ब, हम यज्ञ करब पूजा करब। एक कैती जब बभने के आवाज सुने तो जितना जने रहे भागत शुरू के। अरे राजा भागई लागनी ना हो, परशुराम कहते हैं इधर निकलो और सामने। अरे राजा भागई लागे पाव नहीं डगरी, अरे ना डरिया जनक दुआरी। बड़का भैया जितना 9999 भागत हैं, रास्ता नहीं मिलत पा, एक पर एक गिरत हैं, तरपरात हैं। जितना रहे सब भाग ही गए, लेकिन सब भाग गए लेकिन राम नहीं हटे। लक्ष्मण जी वही में चिकोटी और काटे। लक्ष्मण जी कहा का महाराज नाराज हो थे, असद धनु ही तो 50 थोरे रहे नहीं। तब से तो बिगड़ गए, कह देख ले
राम कहें आप बड़े हैं, महान हैं, वो बच्चा है। माफ कर दें तो राम कौने किस्म को बोला था, जरा बोल देखिए। बोल में कितनी मिठास बा, तब बाबा हरदेव सिंह महाराज कहती जहाँ प्यार बा वहीं सब कुछ बा। कहत हैं राम, अरे आपका दास तोर दिए प्रभु जी, आपका दास तोर दिए लागी सपारी, अरे नगरिया जनक दुलारी से लागी। जयकार होता, बड़ी बड़ी बात होता। सखी सहेली जब सीता के पायन कहें अब बताओ का होई, अरे कहें का बताई का होई। वही जगह पर चारों भैयन का बिया शादी भवा, वहां जगह पर कहना पड़ा सीता जी को कभी लिखा भाव कि बहुत दिना नवा पार बवली सजनवा, हम सोहागिनी भैली हो राम, अब हम सोहागिनी भैली हो राम, दूल्हा मिले यमतार। हम राम के चरनिया में कर भई भजनिया, कर भई भजनिया रोज कर भई पूजनिया, हम सुहागिन भैली राम, संगना चोराई दूल्हा।